आज हम लोग गोल्डन टेम्पल यानी नाम डोलिंग मठ की यात्रा करने वाले हैं। कुर्ग में नाम डोलिंग मठ की यात्रा करना एक असाधारण अनुभव है। ये तिब्बत के बाहर दूसरी सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है। ये कुशलनगर से 6 किलोमीटर और मेडिकेरी से 35 किलोमीटर दूरी पे है। नाम डोलिंग निकमा मठ कर्नाटक का मैसूर जिले के बेलकोप्पा में स्थित है। तिब्बती बौद्ध धर्म के निकमा वंश का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर है। मठ में 5,000 से अधिक लामाओं के संघ समुदाय, एक जूनियर हाई स्कूल, एक धार्मिक कॉलेज और हॉस्पिटल शामिल है। ये जो देख रहे हैं, ये एक अंधेरा कमरा है जो जलते हुए छोटे तेल के लैंप से भरा हुआ है, जो अंधेरे के बीच प्रकाश का प्रतीक है। ये उनके द्वारा बजाए जाने वाले साउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वास्तव में इस जगह की यात्रा का अद्भुत हिस्सा है। ये आपके माइंड को और आत्मा को पूरी तरह से रिफ्रेश कर देगा। मंदिर में थोड़ी देर बैठकर व्यक्ति सारी चिंताओं को भूल जाएगा। मंदिर पर प्रत्येक वर्ग अलग अलग कहानियां बताता है। वास्तुकला सच में मन को प्रसन्न कर देने वाली है। आसपास का वातावरण वास्तव में इतना शांत है कि जिसे देखते ही आपकी आंखों और चेहरे पर खुशी दिखाई देगी। इसके अलावा आप मंदिर की दीवारों पर किए गए अद्भुत रंग रोगन को भी देख सकते हैं। परिसर के प्रत्येक मंदिर में वॉल पेंटिंग सहित वास्तुकला और सुंदर मूर्ति है। इसके चारों ओर विशाल हरे भरे बगीचे और बीच में एक छोटा सा फाउंटेन है जो बहुत सुंदर दिखता है। ये सुंदरता और शांति से घिरा हुआ है। आप मंदिर के अंदर जाकर ध्यान कर सकते हैं। ये वास्तव में एक सुवर्ण मंदिर है, इसलिए गोल्डन टेम्पल से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर पर सूर्य की किरण पड़ते ही चमकदार सुनहरी रोशनी फैलती है। हॉल के अंदर प्रवेश करते ही 3 विशाल अलौकिक मूर्तियां जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। पद्मसंभव, सुख्यामी और अमिताश की 3 ऊंची सोने की परत वाली मूर्तियां देखने को मिलती है। आप इन दीवारों पर जीवन तिब्बती पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। वास्तुकला बहुत अनोखी है और भारत के दक्षिण हिस्से में आप जो देखते हैं उससे अलग है। ये बहुत ही अच्छी जगह है। लोकप्रियता के कारण यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ये सभी लोगों के लिए अवश्य आने वाली जगह है, खासकर इन लोगों के लिए जो ध्यान करना पसंद करते हैं और शांतिपूर्ण समय बिताना चाहते हैं। रियली इट वॉज ए वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। मैं ये जगह के बारे में आपको बताता हूँ। ये निसर्गधारा फॉरेस्ट है। इस जगह में प्रवेश करने से पहले आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देगी जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। ये निसर्गधारा फॉरेस्ट में एंट्री के लिए टिकट विंडो है और फॉरेस्ट पार्क में आपको रूल्स फॉलो करने उसके बारे में लिखा है और क्या क्या देखना है अंदर उसके बारे में भी बताया गया है। निसर्गधारा फॉरेस्ट में आप परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। ये मेडिकेरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंदर आप 3 अलग अलग जगह को देख सकते हैं, जैसे डियर पार्क, बड़े अभ्यारण और लास्ट में कावेरी नदी। प्रकृति और बांस के पेड़ों ने ये फॉरेस्ट को पूरी तरह से कवर कर दिया है। सच बता दूं कि ये आपको जगह बहुत पसंद आएगी, लेकिन सभी जगह को कवर करने के लिए आपको काफी पैदल चलना पड़ेगा और आपके पास 3 से 4 घंटा वक्त चाहिए। Thank you.
फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग जाएंगे बर्ड पार्क। ये जो सामने दिख रहा है ये है बर्ड पार्क। बर्ड पार्क में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस जगह आपको एक्सोटिक बर्ड देखने को मिलेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये बर्ड पार्क। ये एक्जोटिक बर्ड जो आपके हथेली के ऊपर रखे गए दाने को खाने के लिए एक साथ सारे बर्ड उठकर आ जाएंगे आपके हाथ पर और आराम से बैठ के खाएंगे दाने को जैसे आप खिला रहे हो। बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के, और साथ ही ये पक्षी को करीब से देखने का अद्भुत अवसर है। अगर आप इस पार्क में आए तो आप मेरी तरह मकाऊ के साथ तस्वीर क्लिक करके एक यादगार पल को कैमरे में कैच कर सकते हैं। मैं और सालू पार्क के अंत में कावेरी नदी है जो देखने गए, जो सबसे बेस्ट जगह है ये निसर्गधारा में। डीप नहीं है इसलिए बच्चे भी नहा सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना कि उतरते वक्त मिट्टी और पत्थर भी स्लिपरी है, तो आप थोड़ा सतर्क रहे, आप और अपना परिवार का ध्यान रखें। बस थोड़े ही स्टेप उतरना पड़ेगा आपको अगर नहाना है तो। एक पैर कपड़े के साथ में लेके आए
बहुत ही मजा आएगा इस नदी में नहाने की। पूरे ग्रुप में से हम दोनों ही आए थे देखने के लिए, और तो और दोस्त लोग भी इंतजार करते थे अगर नहाने चले गए होते तो, इसलिए मौका नहीं मिला। बस आज हमारा सफ़र ख़त्म करते हैं। मेरा ये वीडियो सही में अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों घंटी बजा देना। बाय बाय सबको।